गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने अपनी नेक्स्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया हो। इसे डाउनलोड करने के बाद अब हमें इसके अंदर ये सीखना है कि हमारे वर्क स्पेस में, यानी कि स्टूडेंट वर्क स्पेस में क्या क्या रिसोर्सेज आते हैं, हमें किस तरीके से उन रिसोर्सेज को देखना है, किस तरीके से PDFs को डाउनलोड करना है। तो मैंने एक स्टूडेंट की लॉगिन आईडी से लॉगिन करके और नेक्स्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि NLP को ओपन किया है। अब सबसे पहले हमें जाना है स्टूडेंट वर्कस्पेस पर। स्टूडेंट वर्कस्पेस पर जाएंगे तो आपको ये डैशबोर्ड नज़र आएगा। आप डैशबोर्ड में अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे नीचे आपको होमवर्क, फिर क्लास वर्क और फिर कोर्सेज मिलेंगे। तो हमें सबसे पहले कोर्सेज पर क्लिक करना है। कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद जब आप सबसे ऊपर टॉप आइकन में देखेंगे तो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स मैप मिलेंगे। अगर आप 6th to 8th क्लास में पढ़ते हैं तो आपको यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SS, संस्कृत, ये सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अगर आप 3rd to 5th क्लासेस के अंदर हैं तो आपको वहाँ इन्वायरमेंटल साइंस का एक टॉपिक मिल सकता है या सोशल अवेयरनेस का कोई सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर मैप मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम क्लिक करते हैं केमिस्ट्री पर, तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो सभी के सभी चैप्टर्स यहाँ शो होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ शो होंगे जो केमिस्ट्री में क्लास 12th में हैं। इसी तरीके से अगर मैं हिंदी को ओपन करता तो हिंदी के सभी चैप्टर्स शो होते। अब हमें जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना है वो हमने सेलेक्ट किया सबसे पहले यहाँ से, उसके बाद जिस भी चैप्टर को हमें पढ़ना है हम उसे सेलेक्ट करेंगे। हमने उस चैप्टर को सेलेक्ट किया। अब चैप्टर को सेलेक्ट करते ही आपके पास ऊपर सेशंस लिखा आएगा। सेशन में सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, इस तरीके से 8 सेशंस आएंगे। अगर ये चैप्टर 8 दिन चलेगा तो इसके 8 सेशंस होंगे, 8 लेक्चर्स होंगे। अगर ये चैप्टर 3 दिन चलता तो इसके 3 सेशन या 3 लेक्चर्स होते। तो अब अगर हम सेशन नंबर 1 पे हैं तो इसमें 9 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ये 9 रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? एडजॉप्शन का इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन, एडजॉप्शन का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज, इस तरीके से एडजॉप्शन के टाइप्स और उसकी एक्सप्लेनेशन, ये सारे रिसोर्सेज हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री PDF और आपको एक आइकन मिलेगा डाउनलोड करने का। यहाँ आपके रिटर्न नोट्स होंगे। जिस भी सेशन में आपके रिटर्न नोट्स अपलोड होंगे उस सेशन के अंदर आपके पास ये आइकन रहेगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स से मैं डाउनलोड शुरू कर देता हूँ, तो डाउनलोड एडिट टू द क्यू, ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। देखिए ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा हम इस PDF को ओपन कर पाएंगे। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और अब हम इस PDF को ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपके रिटर्न नोट्स जिस तरीके से होते हैं, जहाँ समरी होती है, जहाँ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीज़ें, इसी तरीके से सीनियर क्लासेस में नोट्स फॉर्मेशन होती हैं, वो सारे के सारे नोट्स आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे चेक कर सकते हैं। ये आपके डाउनलोड में आपको मिल भी जाएगा सरफेस केमिस्ट्री PDF डाउनलोड। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा इसके अंदर? इसके अलावा आपको मिलेंगे आपको वीडियोज़। जैसे अगर मैं फर्स्ट नंबर पर क्लिक करता हूँ, एडजॉप्शन इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन, तो अगर हमें कोई भी वीडियो देखनी है जो टीचर ने अपलोड की है, चाहे ओपन सोर्स इंटरनेट से, चाहे अपनी वीडियो बना के, वो सारी आपको सेशंस में मिलेगी। सेशन नंबर 1 में भी मिलेगी, 2 में भी मिलेंगी, 3 में भी मिलेंगी, हर एक सेशंस में मिलेंगी। तो मैं एक वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। तो हम इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और जो बेसिक थोड़ा सा बफरिंग टाइम है वो ये बफरिंग टाइम लेगा और वीडियो स्टार्ट होगा। क्रोमैटोग्राफिक एनालिसिस, softening of hard water, the cleansing action of soaps, and purification of water are all. इस तरीके से आप अपनी वीडियोस देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर सेशन नंबर 2 में कौन सी वीडियो है वो दिखाएं। तो सेशन नंबर 2 में एक वीडियो है एडजॉप्शन आइसोथर्म और उसकी एक्सप्लेनेशन, लेट्स से हम उसको प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ आपको आपकी एप्लीकेशन पे सभी चीजें अवेलेबल होंगी। अबाउट द एडजॉप्शन आइसोथर्म्स,
Let us first recall some details about example. आप इसे आगे भी कर सकते हैं, आप इसे आगे बढ़ा के देख सकते हैं. Is equal to k multiplied by p to the power 1 by n. इस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. ये तो रहा वीडियो का और पीडीएफ को डाउनलोड करने का तरीका. इन सेशंस में आपको एक्सरसाइज भी मिलेगी उस टॉपिक से रिलेटेड. कुछ सेशंस में मिल जाएगी, कुछ सब्जेक्ट्स में मिल जाएगी. जहाँ पर भी है आप उन वीडियोस को देखकर, टीचर के लेक्चर्स को सुनकर, समझ के अपनी एक्सरसाइज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी. अब मैं एक्सरसाइज को शुरू कर रहा हूँ. मेरे सामने एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और मैं ऑप्शन पर टिक कर दूंगा. मुझे पता चल जाएगा कि मेरा आंसर सही है या गलत है. फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा बेटा, फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा. क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं उसके ऊपर फिर से टिक कर दूंगा. इस तरीके से मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा. अगले क्वेश्चन पे जाने के बाद मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और उसके ऊपर टिक कर दिया. अब ये गलत है तो मैं शो आंसर पे जाके इसका करेक्ट आंसर चेक कर सकता हूँ. इस तरीके से मैं इस एक्सरसाइज के मल्टीपल क्वेश्चंस, जितने सारे इसमें क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, मैं उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाऊंगा और जो क्वेश्चंस मेरे गलत हैं उनका आंसर मेरे पास आ जाएगा. तो हमने इस वीडियो में सीखा है कि हम कैसे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे. अगर मैं इस वीडियो को थोड़ा सा ब्रीफ करूँ, वापस से समराइज करूँ, तो हमने क्या किया था. हमने सबसे पहले NLP यानी कि लेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को ओपन किया. ओपन करने के बाद हमारे सामने ये डैशबोर्ड आया था. इस डैशबोर्ड पर आने के बाद हमने स्टार्ट किया स्टूडेंट वर्कस्पेस पर क्लिक करके. स्टूडेंट वर्कस्पेस पर क्लिक करके हमें कोर्सेज पर जाना है. कोर्सेज पे जाने के बाद हमें जिस भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है, जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है, जिस भी सब्जेक्ट के रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है, हम उस सब्जेक्ट को ऊपर से क्लिक करेंगे. हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे. जैसे ही हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे हमारे पास चैप्टर का काउंट आ जाएगा. चैप्टर का काउंट आने के बाद हमें जिस भी चैप्टर पर बात करनी है हम उस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं. उस चैप्टर पर हमारी बातें रख सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं, PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं. ये सारी की सारी चीज़ें हम कर पाएंगे. जैसे हमने फिजिक्स के अंदर इस चैप्टर की PDF को पहले से डाउनलोड किया हुआ है. अगर हम डाउनलोड करके रखेंगे तो उस पर टिक आएगा तो ये ओपन हो जाएगी. देखिए ये रिटर्न नोट्स, आप आराम से अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर सकते हैं. तो इस एप्लीकेशन के थ्रू काम करना और भी आसान हो जाएगा क्योंकि एक सिंगल पोर्टल पर आपको सभी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं. कोई मल्टीपल क्लिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. और इसके बाद इससे अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम होमवर्क जो आता उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. आई होप कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी. स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरी रिजॉल्व आउट कर सकते हैं. थैंक यू.